हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। तो यस बच्चों, एज यू ऑल नो दैट कि हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, फर्स्ट लेक्चर। दिस इज द सेकंड लेक्चर। सो इन दिस सेकंड लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डू द कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स। ओके, लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, कैसे हमारे पास कैसे यूनिट सिस्टम है, उनमें कैसे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स थे, राइट। एमकेएस था, एफपीएस था, सीजीएस था, एसआई भी पढ़ा उसमें। फिर हम लोगों ने सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी पढ़े थे जिसमें हम लोगों ने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल भी किया था, राइट। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, जाके पहले फर्स्ट पार्ट को देख लिए एंड देन कम टू द सेकंड लेक्चर। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग जो है ये पार्ट तो करने ही वाले हैं बच्चों, बट इसके साथ साथ मैं आपको मैंने बोला था कि दिस इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नीट जेडब्ल्यू एंड एमएसटी सीईटी। तो मैं आपको कुछ नीट के और जेडब्ल्यू के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने अभी तक सेकंड लेक्चर में कवर किए हैं, जो कि इसके बाद होने वाला है। तो प्लीज एंड तक बने रहिए और लेक्चर का मजा लीजिए। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हम जब बात करते हैं कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे एसआई यूनिट्स को यूज करना है तो उसे यूज करने के लिए मुझे किन किन बातों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं कभी भी एसआई यूनिट लिखता हूँ, राइट, तो उसे लिखने के लिए मुझे क्या क्या चीजें याद रखनी जरूरी है। तो सबसे पहली चीज ये है बच्चों, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। मतलब मेरी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसकी एक यूनिट होगी। जैसे अगर मैंने कहा मान लो ये एक मार्कर है तो इसका एक लेंथ है, तो लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली इसकी एक यूनिट होगी, राइट। और उसकी यूनिट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसके साथ, एक सिंबल के साथ, राइट, एक सिंबल के साथ। तो प्लीज मार्क द वर्ड सिंबल। तो यू हैव टू रिप्रेजेंट एवरी फिजिकल क्वांटिटी विद द सिंबल। बच्चों ये एग्जाम में आपको पूछते हैं, एग्जाम में आएगा कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स, तो आपको यही सब लिखना है, मैंने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट सीधा ले लो और इसी को एग्जाम में लिख देना, ठीक है ना। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फुल नेम ऑफ अ यूनिट शुड ऑलवेज स्टार्ट इन अ स्मॉल लेटर इवन इफ द नेम इज आफ्टर अ पर्सन। ओके, अगर मैं ऐसा यूनिट लिखता हूँ और ऐसा यूनिट लिखते वक्त अगर कभी कभी हमें क्या होता है, कभी कभी हम पूरी लिखते हैं जैसे मीटर, तो मीटर के लिए अभी हम तो स्मॉल एम लिखते हैं, बट कभी कभी हम मीटर पूरा लिखते हैं, एम ई टी ई आर मीटर, है ना। तो वैसे ही ये लोग क्या कह रहे हैं, अगर आप कभी भी फुल नेम लिखोगे किसी भी एसआई यूनिट का तो उसको हमेशा आप क्या करोगे, एक स्मॉल लेटर से लिखोगे, तो स्मॉल लेटर से पूरा जो है लिखोगे। तो यहाँ पे अगर वो किसी पर्सन का नाम ही क्यों ना हो, ठीक है, इफ द नेम इज आफ्टर अ पर्सन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया यहाँ पे वन न्यूटन, तो देखो यहाँ पे वन न्यूटन लिखा है, तो न्यूटन तो सभी को पता है बच्चों, न्यूटन किसका यूनिट है, यस न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, राइट, ये फोर्स का यूनिट है। तो इस फोर्स की यूनिट में हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है वन न्यूटन, तो आप देखोगे मैंने एन जो है स्मॉल लिखा हुआ है। सो इफ यू आर राइटिंग अ कंप्लीट नेम ऑफ अ एसआई यूनिट तो उसको आप क्या करोगे, हमेशा स्मॉल लेटर में लिखोगे। यहाँ पे देखो वन जूल, जूल किसका यूनिट है बच्चों, एनर्जी का यूनिट है, ओके। बट लेकिन एक चीज और, सिंबल फॉर द यूनिट नेम आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन कैपिटल लेटर। अगर मैं इसका सिंबल लिखता हूं वन न्यूटन का, तो आई विल राइट वन एन, एन कैपिटल लिखूंगा, वन जूल, वन जे कैपिटल लिखूंगा, बिकॉज जूल न्यूटन ये साइंटिस्ट के नाम है। बट अगर मुझे लिखना हो वन मीटर तो मैं स्मॉल में लिखूंगा, राइट, इवन दो आई एम यूजिंग द सिंबल बट आई विल नॉट राइट इन मीटर बिकॉज मीटर किसी का नेम नहीं है, तो उसे मुझे स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है, ओके? इसके बाद है सिंबल्स फॉर द यूनिट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। देखो अभी एक है तो हमने वन न्यूटन लिख दिया, ठीक है, एक से ज्यादा न्यूटन होता तो मैं क्या करता है, तो क्या मैं इसे न्यूटन से लिखूंगा, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। तो आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है 20 न्यूटन, तो ये जो मैंने 20 न्यूटन लिखा है ना बच्चों, ये रॉन्ग मेथड है, राइट, दिस इज अ रॉन्ग मेथड। आपको कभी भी यहाँ पे प्लूरल फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं करना है, दिस इज द रॉन्ग मेथड, राइट। इसके बाद क्या है, सिंबल्स ऑफ यूनिट डू नॉट कंटेन एनी फुल फॉर्म एट एंड, सॉरी एनी फुल स्टॉप एंड एट एंड, ओके। तो मतलब क्या है कि जब भी मैं कोई एक यूनिट रिप्रेजेंट करूंगा तो यूनिट लिखने के बाद, राइट, जैसे 25 केजी, तो केजी मेरा क्या है बच्चों, यूनिट है, तो उसके बाद हमें ये फुल स्टॉप नहीं देना है। ध्यान में रखो, अगर आप कोई भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट लिखते हो तो उस यूनिट को कभी भी आप फुल स्टॉप से एंड नहीं करोगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यस। नेक्स्ट है
The unit of physical quantity in numerator and denominator should be written as one ratio. अब कभी कभी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी की कुछ यूनिट्स है ना बच्चों, रेशियो में आ जाती है. रेशियो में आने का, तो जैसे अगर मैंने बात किया फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, है ना. तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड और टाइम का सेकेंड, तो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये आ गया मुझे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई होप आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है ये सारी चीजें, राइट. तो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन को या तो ऐसे लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रेशियो में, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इनको मैंने एक रेशियो में लिखा है, एक रेशियो में. अगर आप इसे देखोगे मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर था ना, तो हमें ऐसे नहीं लिखना है मीटर पर सेकेंड, ये रॉन्ग वे है. दिस इज द रॉन्ग वे टू रिप्रेजेंट द यूनिट. हमें उन्हें सिर्फ एक ही रेशियो में रिप्रेजेंट करना है, दैट इज हाउ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सिमिलरली अगर आप उसे इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. सर ये क्या है, समझ में नहीं आया. ओके, समटाइम व्हाट हैपेंस, अगर ये सेकंड स्क्वायर को आप न्यूमरेटर से मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओगे, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाने पे ये जो 2 है ना, उस पे माइनस आ जाएगा, राइट. आपने किया होगा कई बार, अगर आप ऐसे लिखते हो 1/10^2, ये ऊपर जाके हो जाता है 10^-2, है ना. तो अगर इसे आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये पावर जो है नेगेटिव हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे पावर नेगेटिव हो गया है. इसके बीच में डैश क्या है, उसको हम बोलते हैं हाइफन, राइट. तो मतलब दो दो यूनिट्स के बीच में या तो आप हाइफन दो या तो उनके बीच में गैप रखो. उनको ऐसे मर्ज करके मत लिखो, मीटर सेकेंड स्क्वायर ऐसे मत लिखो मर्ज करके, नहीं तो क्या होगा ना, ये मिली सेकेंड हो जाएगा. आपको बताता हूँ मैं कैसे. मतलब यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान में रखना है. पहली बात कि आपको रेशियो में लिखना है. अगर आपको इसे न्यूमरेटर में लेके आना तो लेके जा सकते हो, बीच में आप हाइफन दे दो या फिर उनके बीच में गैप दे दो, स्पेस दे दो, ठीक है. दिस इज द वन मेथड टू राइट द यूनिट्स. दूसरा है यूनिट शुड नॉट बी रिटन लाइक एग्जाम्पल. मैंने यहाँ पे देखो कुछ दिया एग्जाम्पल में. अच्छा ये इसका यूनिट है, आप लोग बता सकते हो इस यूनिट को आपने कहीं देखा है. Yes, आपके 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर ग्रेविटेशन में आपने इस यूनिट को देखा होगा. आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, F equals to G m1 m2 by r square, right? तो यहाँ पे अगर मुझे G acceleration due to gravity का यूनिट निकालना था, तो मैं r square और m1 m2 को यहाँ लेके आऊंगा तो मुझे ये यूनिट मिलता था, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg square. अब बच्चों एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने सिंबल यूज किया है, यहाँ पे मैंने सिंबल यूज किया है, बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे तो मैंने फुल फॉर्म लिख दिया, राइट. तो ये रॉन्ग मेथड है. अगर आप लिखते हो तो पूरा फुल फॉर्म लिखो या तो फिर आप पूरा सिंबल में लिखो. आपको ऐसे आधा अधूरा नहीं लिखना है. दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग SI यूनिट. ओके, सो यू डोंट नीड टू रिप्रेजेंट SI यूनिट इन सच वेज. नेक्स्ट है यूज इन प्रीफिक्स और सफिक्स. नाउ समटाइम व्हाट हैपेंस कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो काफी बड़ी होती है, काफी छोटी होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैपेंस, अगर मैं कहता हूँ मीटर में मुझे कोई चीज को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना. तो अगर सपोज मैं एटम के साइज की बात करता हूँ, तो आप सबको पता है कि एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल है, तो उसे मैं मीटर में कैसे रिप्रेजेंट करूँ. तो आपको वहाँ पे जो है प्रीफिक्स में कुछ लगाना पड़ेगा. प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब बाद में. तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करोगे. तो देखो अगर हम बात करते हैं सफिक्स प्रीफिक्स की, तो यहाँ पे मैंने कुछ 3 सफिक्स प्रीफिक्स दिए हुए हैं, ठीक है. अगर आपको ऐसे बहुत सफिक्स प्रीफिक्स देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो. मेरे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे सफिक्स और प्रीफिक्स जो है मैंने वहाँ पे आपको दिए हुए हैं, राइट. तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे देख सकते हो कि सफिक्स प्रीफिक्स कितने और टाइप्स के होते हैं. जैसे यहाँ पे 1 मिली सेकेंड, तो देखो सेकेंड मेरा यूनिट है, 1 नंबर है. 1 सेकेंड लिखता था मैं, बट 1 मिली सेकेंड मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये टाइम बहुत कम है. तो देखो मैंने इसे लिखा 1, ये स्मॉल m का मतलब होता है मिली, स्मॉल m का मतलब होता है मिली. अब देखो यहाँ पे स्मॉल m का मतलब मीटर नहीं होगा. अब जैसे यहाँ पे हम लिख रहे थे ना m, देखो ये m मीटर था बच्चों, मीटर सेकंड, इसलिए कहा बीच में स्पेस देना है. अगर आपने स्पेस नहीं दिया तो वो मिली सेकंड हो जाएगा इसकी तरह. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. तो यहाँ पे ये जो m है, दिस m इज नॉट अ मीटर, दिस m इज फॉर मिली. मिली मतलब क्या होता है, मिली मतलब होता है 10^-3. ओके, मिली का मतलब होता है 10^-3 मिली सेकेंड. जैसे किलो होता है ना 10^-3 किलो,
किलो को क्या बोलते हैं 10^3, वैसे मिली को बोलते हैं 10^-3। ओके, इस तरीके से किलोमीटर मिलीमीटर है ना, सुना रहेगा कभी अगर मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स, तो मिलीमीटर याद होगा आप लोगों को है ना। तो जैसे मैंने लिखा किलोमीटर, तो किलोमीटर मतलब 10^3 मीटर, और मिलीमीटर मतलब लिखा मैंने तो 10^-3 मीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखो किलो के लिए 10^3 लिखा, मिली के लिए 10^-3 लिखा, राइट। तो ये मेरा क्या है, मैं एक सफिक्स ऐड कर रहा हूँ, एक प्रीफिक्स ऐड कर रहा हूँ मेरे यूनिट के पहले, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मेरे यूनिट्स काफी स्मॉल हैं, छोटे हैं, ठीक है। अगर मैंने लिखा होता माइक्रोमीटर, ऐसे माइक्रोमीटर मतलब 10^-6 मीटर, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड मतलब 10^-6 सेकेंड, 10^-6 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड है ना, NS मतलब नैनो सेकेंड मतलब 10^-9 सेकेंड, मतलब ये काफी छोटा टाइम है, ये काफी छोटा डिस्टेंस है। ओके, तो दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट सफिक्स और प्रीफिक्स। ओके, तो बच्चों ये जो है ऐसे बहुत सारे हम यूज होंगे, और जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाओगे तो कितने सारे हैं मैं आपको बताते जाऊंगा, और आप डे बाय डे यूज करते करते तो सारी चीजें सीख भी जाओगे, ठीक है। कन्वर्जन के लिए काफी यूज होते हैं ये, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें आती है कैसे करना है, तो आप लोग जो है न्यूमेरिकल्स बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सो बच्चों ये जो मेरा टॉपिक था कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट, तो ये सारे कन्वेंशन है जो आपको याद रखने हैं, और एग्जाम में भी आपको यही लिखने हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें याद है तो आप कभी भी एक ऐसा यूनिट देने में कोई मिस्टेक्स नहीं करोगे। आई होप यू क्लियर विद दिस। अब हम क्या करते हैं, नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक व्हिच हैव कवर्ड टिल नाउ। ओके, तो ये क्वेश्चंस जो है जेईई और नीट के क्वेश्चंस होंगे, कुछ सीटी के भी क्वेश्चंस होंगे, राइट। तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। तो वेल बच्चों, नाउ वी विल सी द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन द एग्जाम्स, राइट। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं नीट के, जेईई और सीटी के, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने खुद आपको दिए हुए, राइट। तो लेट्स ट्राई एंड चेक योर नॉलेज, आपने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है इस चैप्टर से आपका वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल क्वेश्चन फॉर नीट जेईई एंड सीटी, जिसमें मैंने टोटल 7 क्वेश्चन दिए हैं, बोर्ड में इतने ही आ गए तो इतने इनफ है हमारे लिए, ठीक है। इनफ इन द सेंस अभी प्रैक्टिस के लिए, बाकी आप कोई बुक परचेस करते तो आप वहां से प्रैक्टिस और कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, आउट आउट ऑफ दिस, ना ऑफ लिखना भूल गया, ठीक है। आउट ऑफ दिस विच इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। आउट ऑफ दिस विच इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, तो देखो मेरे पास न्यूटन है, सेकेंड है, पाउंड है और किलोग्राम है। और बच्चों देखो फंडामेंटल यूनिट मैंने बताया था आपको क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती है खुद के मेजरमेंट के लिए, राइट। तो सेकेंड तो टाइम का है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, किलोग्राम जो है मास का है वो भी किसी पे डिपेंड नहीं करता है, पाउंड जो है वो भी मास का, वो भी किसी पे डिपेंड नहीं करता है। बट बच्चों न्यूटन फोर्स, आप सबको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, जो मास और एक्सेलरेशन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे इसका पहला आंसर होगा हमारा ये न्यूटन। सो न्यूटन इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। ओके, सेकंड क्वेश्चन बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ डैश, ये किसका यूनिट है बच्चों, ये क्वेश्चन सीटी में पूछा गया है, ठीक है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ डैश, तो आप बताइए किसका यूनिट हो सकता है, कि ये एनर्जी का यूनिट है या मोमेंटम का है या फोर्स का है या प्रेशर का है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, न्यूटन मतलब फोर्स और मीटर मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, ध्यान सुनना, न्यूटन मतलब होता है फोर्स और मीटर स्क्वायर मतलब होता है एरिया, है ना। एरिया लेंथ का स्क्वायर लोगे तो एरिया मिल जाएगा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया किसका फॉर्मूला है बच्चों, प्रेशर का है ना, राइट। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। ओके, मोमेंटम का नहीं है, एनर्जी का भी नहीं है, फोर्स का भी नहीं है। एनर्जी क्या होता है, आपने अपने 10th में पढ़ा होगा, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज वर्क डन है ना, एनर्जी का होती है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो प्रेशर क्या है बच्चों, प्रेशर ही है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सीटी में पूछा था आपको। थर्ड क्वेश्चन, इफ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्स बी इंक्रीज 4 टाइम द यूनिट ऑफ एनर्जी इज, अगेन बच्चों दिस क्वेश्चन वेर आस्क इन सीईटी, ये सीईटी में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन समझो क्या है पहले, फिर आंसर देंगे इसका हम।
यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो यूनिट लेंथ है मेरा, ठीक है, जो मेरा लेंथ का यूनिट है और जो मेरा फोर्स का यूनिट है वो 4 times इंक्रीज हो रहा है। कितने टाइम इंक्रीज हो रहा है? 4 times। तो बच्चों एनर्जी का जो यूनिट होगा वो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? एनर्जी का जो यूनिट होगा वो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप लोग इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो तो फॉर्मुलेज आना बहुत जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज। ओके, तो फॉर्म अपोलो के सर हम 11th में तो फॉर्मूला पढ़े नहीं हमने। तो बच्चों आपको एक बात बता दूं, आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा अपनी लोअर क्लास में, राइट? एनर्जी क्या है मेरा? वर्क डन। हम जो भी वर्क डन करते हैं वो एनर्जी होती है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये मार्कर है, ये रखा हुआ है, मुझे इसे ऊपर उठाना है तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा ना, और वही वर्क डन मेरा क्या है? एनर्जी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला होता है, पहले तो अंडरस्टैंड करो, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वो मेरा लेंथ हो गया, डिस्प्लेसमेंट ही मेरा लेंथ हो गया और ये मेरा फोर्स हो गया। तो अभी देखो फोर्स को मैंने कितनी टाइम्स इंक्रीज किया? 4 times। 4 into डिस्प्लेसमेंट, लेंथ को कितनी टाइम इंक्रीज किया? 4 times। तो 4 से कितना हो जाएगा बच्चों? 16। तो आप मुझे बताओ आपका जो वर्क डन होगा, आपकी जो एनर्जी होगी वो कितने टाइम्स इंक्रीज होगी? ऑब्वियसली इट विल इंक्रीज बाय 16 times। तो ये बाकी सारे गलत है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से अप्लाई करना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 4 times इंक्रीज हो रहा है, 4 times इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट 4 times इंक्रीज हो रहा है, तो आपका वर्क डन कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? अगेन वो भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फॉर्मूले में मल्टीप्लाई है, अगर फॉर्मूले में ऐड होता तो ये 8 आता, बट ऐड है नहीं, वहां पे मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अगेन क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, JEE में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन ऐसा है, इफ एक्स इज इक्वल टू 80 + BT² ध्यान से सुनना, एक्स की वैल्यू दी है 80 + BT² वेयर एक्स इज इन मीटर, जहां पे आपका ये जो एक्स है वो मीटर्स में है, ठीक है, एंड टाइम टी, ये टी जो है ये टी इज इन आर्स, मतलब टाइम जो है वो आर्स में दिया हुआ है, देन द यूनिट ऑफ बी विल बी, तो ये जो बी है यहां पे, इस बी का यूनिट क्या होगा? ध्यान से सुनना, बी का यूनिट क्या होगा? तो मैं यहां पे लिखता हूं, देखो आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 80 + BT² है ना, ये मीटर्स में है। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखना मेरी बात, अब मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं, इक्वल्स टू के इस साइड जो भी यूनिट होगा, इक्वल्स टू के उस साइड भी वही यूनिट होना चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, इक्वल्स टू के LHS और RHS के दोनों यूनिट्स सेम होंगे तभी वो इक्वेशन एक वैलिड इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो इक्वेशन वैलिड इक्वेशन नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? LHS और RHS में जो भी मेरे वैल्यूज है, जो भी मेरी फिजिकल क्वांटिटी है, उनके जो यूनिट्स है वो सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे एड है, देखो ये भी मीटर में होगा और ये भी मीटर में होगा, ठीक है, ऐसे इस तरीके से होना चाहिए, मतलब इक्वल्स टू के इस साइड का यूनिट मीटर है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, ये भी मीटर में ही होना चाहिए। तो आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि इस बी की यूनिट क्या होगी, इस बी की यूनिट क्या होगी, आपको बी का यूनिट बताना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्या आप डायरेक्टली मीटर लिख दोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि बी का आपने मीटर लिख दिया तो ये टी क्या है यहाँ पे? टी स्क्वायर। टी क्या है? आर। तो ये मीटर आर स्क्वायर बन जाएगा, तो वो मीटर तो दे ही नहीं रहा है आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बी की ऐसी यूनिट लेनी है जो टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाए और बी की यूनिट सिर्फ मीटर बच जाए। तो देखो उसके लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, सी हमारे पास क्या है? बी टी स्क्वायर है, राइट? क्या है? बी टी स्क्वायर। बी का यूनिट मुझे पता नहीं, टी का कितना है बच्चों? टी का है मेरा आर। क्या है? आर्स। तो चलो मैं उसको लिख देता हूं आर्स का स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर है ना, तो आर्स का स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, ये बी टी मुझे कितना चाहिए? एम चाहिए, मीटर चाहिए। कितना चाहिए? मीटर। तो ये बी की वैल्यू आप क्या लोगे जो आपको ये देगा? तो आप यहां पे लिखोगे बी
HR square, you take this HR square to this side. ये b से मल्टीप्लाई हो रहा ना, इस एच आर स्क्वायर को यहां लेके आ जाओ तो आपको b की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, मीटर अपॉन एच आर स्क्वायर। ओके, तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी मीटर अपॉन एच आर स्क्वायर। तो ये मेरी हो गई b की यूनिट। देखो ऑप्शन में कहीं ये दिख रहा है क्या आपको? यस इट इज देयर। ये है मेरा ऑप्शन नंबर डी, ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो b की जो वैल्यू है वो मुझे मिली मीटर पर आर स्क्वायर, जो कि ये ऑप्शन है। तो अगर आप बी की ये यूनिट रखते हो तो आपको ये पूरा जो है मीटर मिलेगा। रखे भी देख सकते हो, बी की जगह पे पुट करो मीटर आर स्क्वायर, तो यहाँ पे बी की जगह पुट करोगे मीटर आर स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर है जो कि आर स्क्वायर। तो नीचे से आर स्क्वायर ऊपर से आर स्क्वायर कैंसिल होकर बचेगा सिर्फ मीटर। ओके, तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू। JEE का क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ता है राइट अभी, बट हमने कर दिया तो काफी इजी लग रहा है। ओके, यस अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एम्स में पूछा गया था। नीट के पहले जो एग्जाम होती थी उसे जो हमारा सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करता था वो एम्स था राइट, बट अभी यहाँ पे सबको नीट के एग्जाम ही देने, बट कोई बात नहीं, मेडिकल का क्वेश्चन है, हमें सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन से जो यूनिट्स हैं वो एनर्जी के यूनिट नहीं है। अब मैंने आपको बताया था एनर्जी क्या होती है बच्चों, मैंने बताया था एनर्जी वर्क डन होती है, एनर्जी का यूनिट तो जूल होता है, तो जूल तो रहेगा ही, चाहे वर्क डन बोलो या एनर्जी बोलो दोनों एक ही है, तो जूल तो रहेगा। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो यहाँ पे देखो न्यूटन मीटर भी लिखा हुआ है, तो ये भी तो मेरा एनर्जी का ही यूनिट हो गया, मतलब ये भी एनर्जी का यूनिट है, ये भी एनर्जी का यूनिट है। आपको बोला क्या है विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी, इसकी बात करते हैं। अच्छा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको लग रहा है ये कहीं से भी यूनिट है हमारा एनर्जी का? बोलोगे नहीं सर देखने से तो नहीं लग रहा है, ठीक है वो नहीं है एक्चुअली। क्यों नहीं है? क्योंकि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये किसकी यूनिट है, ध्यान से सुनना, केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है इसको अगर मैं तोड़ के लिखूं तो ऐसा होगा, केजी मतलब क्या हो गया मास, मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी, तो मास इनटू वेलोसिटी ये तो मोमेंटम का फॉर्मूला है ना बच्चों, लीनियर मोमेंटम, ये किसका फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम, ये तो मेरा एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, मोमेंटम इज नॉट एनर्जी, तो ये मेरा मोमेंटम का फॉर्मूला नहीं है, तो ये मतलब ये मोमेंटम का फॉर्मूला है एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर यही होगा। अच्छा सर ये वाला क्या है फिर WS, हमें तो ये भी नहीं लग रहा है आंसर है, बताता हूँ। सी आप लोगों ने पढ़ा होगा आपके लोअर क्लास में पावर है ना, पावर क्या था वर्क डन पर यूनिट टाइम, क्या पढ़ा था आपने, पावर का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम, मैं लिख के दिखाता हूँ, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, W मतलब वर्क डन है यहाँ पे, ठीक है। पावर का यूनिट क्या था वैट, क्या था वैट, तो मैं कहाँ लिखूं यार जगह ही नहीं बचा, यहीं पे लिख देता हूँ इसे रब करके, इफ यू वांट टेक द स्क्रीनशॉट, मैं थोड़ा कुछ रब करता हूँ इसमें से। ओके, सी मैं यहां पे बोल सकता हूं पावर का यूनिट क्या है, पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर का यूनिट होता है वैट, तो ये जो W है ये वैट वाला W है, ध्यान से सुनना, वर्क डन और W नहीं है, वर्क डन का यूनिट होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर इन फोर्स न्यूटन इनटू मीटर, तो पावर वैट और ये टाइम का होता है सेकंड, टाइम का होता है सेकंड, वर्क डन को मैंने ऐसे ही रख दिया, टाइम का होता है सेकंड, इसको आप यहां लेके चले जाओ तो ये W इनटू S हो जाएगा जो कि वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, जो कि वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी, बार-बार कह रहा हूं मैं, तो ये भी एनर्जी का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो WS फॉर्मूला इन द सेंस यूनिट, WS NM और जूल, ऑल दीज आर माय यूनिट्स ऑफ एनर्जी। अरे सर इतने सारे यूनिट्स हैं एनर्जी के, होते हैं बच्चों हम कई तरीके से एनर्जी के, हम कई ऐसे आप जब आओगे धीरे धीरे पढ़ोगे ना तो फॉर्मूला पे हम बहुत सारे यूनिट्स को निकालेंगे, ठीक है। तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम यूनिट्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is supplementary units? अब I hope इसका आंसर आपको मुझे नहीं बताना है, ठीक है? Please you will comment the answer for this sixth question. मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है?
तो सिक्स्थ वाले का आंसर जो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट, स्टेरेडियन, कैंडेला, केल्विन, पास्कल, आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज द यूनिट ऑफ, ओके, तो अब मुझे बताओ एनर्जी की जो यूनिट है वो किससे सेम है। अब मैं बार बार आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, पावर, मोमेंटम, वर्क, फोर्स, तो आप लोग मुझे इसका भी आंसर कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन मैंने जानबूझ के रखा है ताकि ये आप लोग थोड़ा वर्क डाउन करो इसके ऊपर और मुझे इन दोनों के आंसर जो है कमेंट करके बता दो, ठीक है। सो आई होप कि यू क्लियर हाउ टू यूज द यूनिट सिस्टम, ओके। तो बच्चों यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट है और इससे आपके काफी मार्क्स जो है वो मायने रखते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो यूनिट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, ठीक है। इन एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आपके लिए नीट की, जेडब्ल्यू की, सीटी की, अगर आपने प्रॉपर यूनिट सिस्टम को नहीं पढ़ा है तो आपके जो है बहुत सारे मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इतने क्वेश्चंस करते हैं, हमने अभी जो भी दो लेक्चर मतलब पिछले लेक्चर में कवर किया था उसके बेस पे सारे मेरे क्वेश्चंस हैं। अब धीरे धीरे हम बहुत सारी चीजें करेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, मास है, टाइम है, फिर डायमेंशन एनालिसिस है, एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो भी बहुत सारा कुछ इस चैप्टर में बाकी है, तो आई होप मुझे और दो से तीन, आई थिंक तीन वीडियोस, चार वीडियोस और लग जाएंगे इस चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, राइट। बट तब तक के लिए जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ते रहो, दोस्तों के साथ शेयर करो अपने, अगर वीडियो पसंद आ रहा है उन्हें बताओ हम कितने अच्छे से जो है फिजिक्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट। आई होप यू गॉट द थिंग्स वेरी क्लियर। बच्चों टेक द स्क्रीनशॉट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।